जरूरत तो थी किसी की भी नहीं, किसी अपने की, जो एम्पथाइज करे, जिसने सब कुछ फेस किया हो। तो इसने मुझे आपका बताया तो मैं इसे यहां ले आया। सही किया ना मैंने? हाँ, बिल्कुल। समझदार तो आप हैं भाई, महेश्वरी के हैं। भाई पीयूष, भाई तू ही बता दे यार, कैसे मैनेज किया? यार मेरा तो खाना, पानी, पॉटी, नींद सब हिले हुए हैं यार। तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? आपके मम्मी पापा से, क्योंकि आप तो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे थे। स्मार्ट ना, अगेन माय आइडिया। वेरी नाइस। भाई तेरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, महेश्वरी का प्रेशर मैं भी समझता हूँ यार। बस कोई आइडिया हो ना कोप करने का बता दे यार, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा यार। वैसे दुख के घड़ी में तो अपने ही काम आते हैं ना, है कि नहीं भाई साहब? तूने बहुत सही किया, तू यहाँ आ गया ना, है ना? थैंक यू भाई। बहुत सही किया, क्योंकि हैंडल तो मुझसे भी नहीं हो लगता है रहा पीयूष जी की भी लैटर लटकती है। है। मामला कुछ और है मीना। भाई क्या हो गया? यार मैं महेश्वरी में नहीं हूं, पिछले 6 महीने से इंडिविजुअल क्लासेस कर रहा हूं मैं। मेरा शक सही था मीना, मैं कह रहा था ना कि महेश्वरी का लौंडा विज्ञान नगर छोड़ के तलवंडी में क्या कर रहा है। पर मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है तू। यार पापा ने मेरा एडमिशन चेक लगवा के करवाया था, पर पहले टेस्ट के बाद जब बैच सफल हुआ तो मैं उस बैच के लास्ट में आया था, उसके अगली बार उस बैच के भी लास्ट में, फिर महेश्वरी छोड़ के इंडिविजुअल कोचिंग लेनी पड़ रही है मेरे को। अच्छा साले, तभी तो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। है सॉरी दे दे अबे चल। भाई। यार बताता भी कैसे यार, वो पापा ने पूरे इटार से मैं ढोल पीट दिया है कि मैं महेश्वरी में हूं। हाँ अंकल, ढोल तो पीटते हैं, पूरे इटारसी को बता दिया मेरा महेश्वरी में नहीं हो रहा। पूरे इटारसी को लगता है कि मेरा आईआईटी में ही होगा। हाँ ये तो हम सबको लगता है, हाँ मैं खुद हैरान था कि भाई एकदम से कैसे फोड़ने लग गया। घर पे तो पता है ना? नहीं यार, नहीं लास्ट टाइम जब दिवाली में घर गया था तो सोचा था सबको सच सच बता के खत्म कर देता, पर पर लाइफ में पहली बार नेहा का कॉल आया था यार। पुरोहित का हाँ उसकी जो छोटी बहन है ना, शिल्पा, हाँ वो आईटी का सोच रही थी तो मेरे से टिप लेना चाह रही थी, तो दोनों घर आ गए मेरे। नेहा हाँ और शिल्पा दोनों उसकी मम्मी भी आई थी। शांति। हाँ अब यार लाइफ में पहली बार इतनी रिकग्निशन मिली कि तो कौन इंसान छोड़ेगा। हाँ हाँ और पता है हाँ आंटी ने बातों बातों पे मेरे डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ दोनों पूछ लेते थे। हाँ यार आईआईटी की तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ, स्कूल में तो मैं तुझसे अच्छा स्टूडेंट था, मुझसे तो कभी टिप नहीं ली। या तू है भी तो प्रोडिजी में। तुम लोग वो छोड़ो, तुम लोग ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तू ना काउंसलर से मिला,